यो गाइस हाउ डू यू डू। अपना यूट्यूब मेरी एक ऐसी क्रश की तरह रह चुका है जिससे मैं प्यार करता हूँ वो मैं बता नहीं सकता, और वो मुझसे प्यार करती है कि नहीं वो मुझे पता नहीं है, क्योंकि लास्ट वीडियो पे भी कॉपीराइट आ चुका है। ये वीडियो उसी के साथ अपलोड होनी थी, ये पार्ट टू कभी होना ही नहीं था, पर मुझे पता था ये बकचोदी होगी और वो हुई, इसीलिए इसको अलग से अपलोड करना पड़ रहा है। तो आओ कंटिन्यू करते हैं। गुड मॉर्निंग राहुल। गुड मॉर्निंग राहुल। टिंडर पाना इतना आसान नहीं है। एक तो ये पिलपिलाते चश्मे, और बिल्कुल सही बात है, एक बार देने में थोड़ी मिल जाता है टेंडर। अरे जरा बॉलीवुड से पूछो कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कईयों की जल के लाल हो चुकी है, फॉर एग्जाम्पल KRK। मगर मैंने जो वादा किया वो मैं जरूर पूरा करूँगा। एक बार और फिर मैं तुम्हारा वाइफ के साथ कुछ पल बिताना चाहता हूँ, फिर मैं अपना वादा तो जरूर पूरा करूंगा। बंसरी के तू इंसान है कि हवस, बिकॉज मुझे डिफरेंशिएट करने में बहुत तकलीफ हो रही है, क्योंकि तू जिंदगी के उस मोड़ पे है कि बाथरूम में नहाते नहाते तू गिर गया तो अस्पताल जाके भी उठेगा कि नहीं वो अभी पता नहीं है। बिना सहारे के 2 मिनट से ज्यादा तुमसे खड़ा जाता रहा नहीं है, और बिना शीला जीत के तुम्हें घंटों दौड़ना है। आप मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, मैं सोचकर बताता हूँ। अब सुन मेरी बात, मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है। एक काम कर, पहले बाहर जाके LGBT लाइट्स ले आ, और घर के बाहर जो बाबा प्रोडक्शंस का बोर्ड लगा है उसे हटा के आश्रम का आश्रम कर दे, कोठा बना दे बहनचोद। ठीक है, मगर जल्दी बताना। बाय। हराम खोर बुड्ढे वैक्सीन की अपॉइंटमेंट बुक कर रहा है, जल्दी करना। ये क्या होता है बे? क्या हुआ, आप इतने टेंशन में क्यों हो? इसी का मुझे माफ कर दो, बॉस ने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। अरे हमने तुम्हारी डील की थी कि अगर हम तुम्हें उनका टिंडर डेट बनाए तो वो हमें टेंडर देंगे, उन्होंने ले तो ली पर दी नहीं है। बॉस ने? कैसा धोखा, बोलो राहुल। और हाँ, जिग्नेश का नाम जिग्नेश नहीं राहुल है, वेरी अनकॉमन एंड यूनिक नेम। ज्यादा कुछ नहीं, मेरे सब्सक्राइबर्स में भी 10 लोगों का नाम राहुल होगा। अबे हाथ छोड़, हाथ चटेगा क्या? कल रात तुमको रूम में छोड़ने के बाद मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ, जिंदगी में और कभी ऐसा लालच नहीं करूँगा इसी का। हाँ ये कर लो पहले, 90s के डायलॉग मान लो हैं, हम बाद में आते हैं। मैं तुम्हें माफ कर दूंगी, मगर मैं बॉस को माफ नहीं करूंगी। ठीक है तो मत कर, माँ चुदा। अगर आज हमने उसे छोड़ दिया तो वो कल किसी और के साथ ऐसा ही करेंगे। एक चीज मुझे समझ नहीं आई, नहीं ये बॉस लोगों को और कोई काम धंधा नहीं होता क्या? तुम एक बार सोचो, एक बार इमेजिन करो कि तुम बॉस हो तो सुबह उठ के तुम क्या सोचोगे? हाँ आज एटलीस्ट एक आध की अप्रेजल के नाम पे गांड लेनी है, फिक्स है, गांड दोगे तो ही अप्रेजल मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। हम कर भी क्या सकते हैं, वो बहुत बड़े आदमी है। वो जितने बड़े उतने बुढ़े है, अगर उन्हें बिना बताए थैली में हवा भर के फोड़ दोगे तो दुख दुख बंद हो जाएगा उनका। वो तो मुझ पर छोड़ दो, आज रात बॉस को घर में बुलाओ। ठीक है, हमें तो लग रहा था अपराध हो रहा है, पर यहाँ तो अलग ही सीन चल रहा है। आज रात आप आ जाइए। बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया है राहुल, ठीक है मैं आ जाऊंगा। ये ना जब मैं भाजी पाव लेने जाता हूँ ना तब होता है। हाँ सर ऑर्डर तैयार है, ले लो। देख देख चेहरे पे अंधेरा देख रहा है, आंखों से हवस और मुंह से ठरक टपक रही है, और इसका तो चांद उजड़ा हुआ है कि फक, बच्चे होंगे तो क्या बोलूंगा, साला बाप कौन है। अब देखो मुझे पता है मैंने इस सीरीज में इसकी शक्ल को बहुत बार मेंशन किया, पर क्या करे, दिल है कि मानता नहीं। ये दिल विल का कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसकी शक्ल ही ऐसी है। ये फंस गया सी है। अगर तुम एक जानवर हो और तुम बेयर ग्रिल्स की बर्थडे पार्टी में गए हो, अगर तुम एक इंजीनियर हो और तुम्हें काम नहीं मिल रहा, ये जान दिल को तेरे
एक मिनट, इसमें तो कोई गलत बात नहीं है। ट्रिगर वार्निंग, अब तक आपने देखा इस सीरीज में ड्रामा है, रोमांस है, थ्रिल है, पर अब एक्शन आने वाला है। एक बार फिर से, प्लीज। ओ भाई ये चाटा है, इससे ज्यादा तेज तो मैं मेरे दोस्त को स्पैंक कर देता हूँ। अरे तू इज योर डैडी भग भोसड़ी के घटिया इंसान, तुमको शर्म नहीं लगता अपने बेटी की उम्र की लड़कियों के साथ ऐसा करते हुए? हाँ बिल्कुल सही बात है, बड़ा बेटी 14 आदमी है, तू है टेंडर के नाम पे किसी को भी लपेट लेगा। राहुल ये मत भूलो कि मैं तुम्हारा बॉस हूँ। First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been all. Ooh, the way that things have been all. Ooh. भाड़ में गया तू और तेरे कंपनी, अब तू सारी जिंदगी जेल में बिताना। राहुल मुझे माफ कर दो, मैं दोबारा किसी का साथ ऐसा नहीं करूंगा। ये क्या था? नहीं एक बार फिर से देखो। मुझे माफ कर दो इसिका। राहुल निकल जा मेरे घर से। चला जा भोसड़ी के। इसके बाद वो खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगे 8 महीनों तक। उसके बाद उन्होंने डाइवोर्स ले लिया। अब वो एक दूसरे को व्हाट्सएप भी नहीं करते और इंस्टाग्राम पे भी अनफॉलो कर दिया है। सो हमने सारी स्टोरी देख ली है, तो इसका मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या होता है? देखो अलग हो सकता है, तुम मुझे तुम्हारा कमेंट्स में बताओ। एज पर मी मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि अगर फ्यूचर में जाके तुम कभी भी बॉस बनो, डोंट बी अ बिच। बॉस हो तो काम करो, काम कराओ, किसी की गांड मत लो। बस तो इन 2 हफ्तों में ये बकचोदी बहुत ज्यादा हो चुकी है मेरे लिए। और हाँ, अगर ये वीडियो देख के तुम्हें अपना सर फोड़ने का मन करे तो एक बार लाइक पे ठोको, एक बार शेयर पे ठोको, एक बार सब्सक्राइब पे ठोको। ना फूटे तो फिर बच गए तुम, ऐश करो। फिर मिलेंगे चलते चलते थोड़े दिन में, तब तक के लिए टाटा।